आज मम्मा गई हुई है नानी घर, तो सिर्फ पापा और मैं ही घर में हैं। तो फिर क्या? खाना बनाने की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेके फ्रिज से आटा निकालता हूँ। फिर पनीर को अच्छी तरह से मैश करके मैं उसमें डालता हूँ अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, क्योंकि मुझे तीखा बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर पनीर को आटे में भरकर अच्छी तरह से बेलने लगता हूँ, और बेलते समय यार मुझे बस एक ही बात का डर लग रहा था कि परोठी गोल बनेगी भी या नहीं। और मेरी साइड में पापा चाय बना रहे थे, और जब तक पापा की चाय बनती है मेरी परोठी भी बनकर तैयार हो जाती है। परोठी तो काफी टेस्ट बनी थी, बट इसका मम्मा जैसी परोठी का बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। और रोटी खाते खाते तो यार मैं एक चीज भूल ही गया था कि दूध मैंने उबलने के लिए रखा हुआ है, और जब मैं किचन में आता हूँ तो दूध पूरा उबल के बाहर आ जाता है। और फिर मैं फटाफट किचन की सफाई करता हूँ ताकि मम्मा को पता ना चल जाए।